Bismillahirrahmanirrahim. Friends, Assalamualaikum. I am Mubin Yunus, representing MasterJee.com. Friends, आज से हम लोग एक नए चैप्टर का, एक नए कोर्स का जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फूड माइक्रोबायोलॉजी. और होप सो ये आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. और इसके अंदर हम डिफरेंट जो फूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड को कंटेमिनेट करते हैं और जो फूड के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे. ये जो हमारे पास कोर्स है और जो ये सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है. होप सो आप लोगों को ये पसंद आएगा. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी. सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन डिस्कस करेंगे फूड माइक्रोबायोलॉजी की. व्हाट इज फूड माइक्रोबायोलॉजी? इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेट इनहेबिट, क्रिएट और कंटेमिनेट फूड. फूड माइक्रोबायोलॉजी में हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जो फूड में एंट्री करते हैं, उसके बाद वहाँ पर स्पॉलिज कॉज करते हैं और फूड को कंटेमिनेट कर देते हैं. उसका जो स्पॉलिज के बाद डिकेइंग वगैरह उसकी स्टार्ट कर देते हैं. अब फूड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर फूड बॉर्न पैथोजेंस का स्टडी करते हैं जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं. और एक ख़ास तौर पर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये उन फूड्स में पड़े होते हैं कि जहाँ पर हमने जो हमारे पास फूड है वो इम्प्रॉपरली कुकड है, जिसको प्रॉपर कुक नहीं किया गया, ठीक हो गया, या जिसको सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया, तो वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज़्यादा स्पॉइलेज कॉज करते हैं. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं वो हार्मफुल होने के साथ साथ बेनिफिशियल भी हो सकते हैं. ये इसका सेकेंड एस्पेक्ट है. फॉर एग्जांपल, हम डिफरेंट फूड्स यूज़ करते हैं, फर्मेंटेड फूड्स यूज़ करते हैं, चीज़, योगर्ट, ब्रेड, इस तरह की जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर ही बनी होती हैं. सो इट मीन्स के फूड माइक्रोबायोलॉजी में हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं जो फूड को कंटेमिनेट कर रहे हैं, जो फूड को स्पॉयल कर रहे हैं. एंड सिमिलरली उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को भी स्टडी किया जाता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, जो फूड में, फूड की जो प्रोसेसिंग में यूज़ हो रहे हैं, फर्मेंटेशन में यूज़ हो रहे हैं, चीज़, योगर्ट, ब्रेड मेकिंग में यूज़ हो रहे हैं. नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट. जो एक हमारे पास फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं. इसमें हम ये देखते हैं कि जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है, उसका काम होता है कि उसने फूड की जो क्वालिटी है उसको चेक करना है, उसको मेंटेन रखना है, और अगर उसमें किसी भी किस्म का जो माइक्रोबियल एंट्रेंस हो गई है तो उसको उसने रोकना है, या फिर उसने उसको उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड में से निकालना है, रिमूव करना है, या फिर डिस्ट्रॉय करना है, ताकि जो फूड है हमारी वो सिक्योर एंड सेफ रह सकें. इसके अलावा जो हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है वो डिटरमिन करता है माइक्रोबियल टाइप्स को, जो स्पॉइलेज और फूड बॉर्न डिजीज़ उसमें इन्वॉल्व होती हैं. नेक्स्ट ये कि जो फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो डिफरेंट जो प्रोसीजर्स है उनको डिज़ाइन करे, जिससे जो हम फूड की स्पॉइलेज जो है उसको कंट्रोल कर सकें. इसके अलावा फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होता है, ये डिफरेंट सैनिटेशन जो प्रोसीजर्स होते हैं फूड को सिक्योर बनाने के, सेफ बनाने के, उन प्रोसीजर्स पर भी काम करता है. इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर फूड माइक्रो में स्टडी करते हैं वो ये है कि जितनी भी जो हमारे पास फर्मेंटेड फूड्स बन रही हैं, जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और हमारे लिए वो बेनिफिशियल हैं, तो फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट उनको किस तरीके से कंज्यूम करता है, उनकी कितनी क्वान्टिटी कंज्यूम करता है, कौन सी टेक्निक लगाता है, कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल करता है. यहाँ पर यह बात हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट है और जो फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, इन दोनों ने मिलकर काम करना होता है एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि इन दोनों का जो बेसिक पर्पस होता है वो यही होता है कि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग हमने फूड को कंटेमिनेशन फ्री बनाना है. इन फूड माइक्रोबायोलॉजी वी स्टडी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट क्लासेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब उन क्लासेस के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं. सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम्स के साथ साथ स्क्रीन्स पर नंबरिंग की फॉर्म में नज़र भी आ रहा होगा. नंबर वन बैक्टीरिया, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज़ कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी. द स्टडी ऑफ फंजा इज़ कॉल्ड माइकोलॉजी. सिमिलरली द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज़ कॉल्ड पैरासिटोलॉजी. एंड द स्टडी ऑफ एल्जी इज़ कॉल्ड फाइकोलॉजी. स्टडी ऑफ वायरस इज़ कॉल्ड वायरोलॉजी. यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि जो वायरसेस होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कंसीडर होते हैं और नॉन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कंसीडर होते हैं. जो हमारे पास वायरसेस होते हैं,
इनको हम नॉन लिविंग कंसीडर क्यों करते हैं? इस वजह से कि जब ये किसी भी सरफेस पे पड़े होते हैं तो ये इनकी जो फॉर्मेशन होती है, इनकी जो स्ट्रक्चर होता है इनका, वो क्रिस्टल लाइक हमें नज़र आ रहा होता है। क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर जस्ट लाइक जैसे आप कह लें कि शुगर या सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं। इस तरह का जब हम वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये नॉन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि ये मूवमेंट शो नहीं कर रहे, क्रिस्टल्स की तरह के पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये किसी भी और ऑर्गेनिज्म, किसी भी प्लांट, एनिमल या ह्यूमन, इन शॉर्ट किसी भी होस्ट के अंदर एंट्री जब ये कर लेते हैं तो उसी होस्ट की मशीनरी यूज़ करते हुए अपने आप को रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस रिप्रोडक्शन से हमें ये पता लगता है कि दीज आर नॉट नॉन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट दीज आर लिविंग। वायरसेस के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट वर्म्स के ऊपर। जो हमारे पास वर्म्स होते हैं इनको हम, इनकी स्टडी को हम पैरासिटोलॉजी भी कहते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक हो जाएं कि स्पेसिफिक जो वर्म्स होते हैं इनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड हेलमिंथोलॉजी। ये इसकी हेलमिंथोलॉजी इसका स्पेसिफिक वर्ड है जो हमारे पास क्लास होती है इसको स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं व्हाट आर प्राइंस। जो प्राइंस होते हैं ये पैथोजेनिक न्यूरल ड्राइव प्रोटीन्स होते हैं और तकरीबन इनकी जो कॉम्पोजिशन है, इनके जो स्ट्रक्चर है वो वायरस से मिलता जुलता है। तो इन सम केसेस वी कैन कॉल देम एज द टाइप ऑफ वायरस। एंड इन द लास्ट देयर इज रिटन एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ सोर्स एंड प्रीवेलेंस ऑफ द डिजीज़, कि किस एरिया में, किस लेवल पर जो है वो डिजीज़ स्प्रेड हो रही है, जो वाइड स्प्रेड डिजीज़ है वो किस लिहाज से बढ़ रही है और उसको कंट्रोल करने के क्या क्या पैरामीटर्स हमें करने चाहिए, क्या क्या हमें उसके लिए मैनेजमेंट करनी चाहिए, ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं एपिडेमियोलॉजी में। नाउ वी कम टूवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ फूड माइक्रोबियोलॉजी। फूड माइक्रोबियोलॉजी की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ओल्ड है। अगर हम जहाँ तक हमारे बुक्स के अंदर और हमारे रिकॉर्ड में चीज़ें आती हैं तो वहाँ पर हमें पता लगता है कि तकरीबन 7000 BC जो बेबीलोन था, इसको मैं आप थोड़ा बता दूँ कि बेबीलोन को उर्दू में बाबुल कहते हैं और ये इराक का एक शहर है। तो जो बेबीलोनियंस थे, बाबुल के लोग थे, उन्होंने जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस था वो डेवलप कर लिया था 7000 BC और वो बियर जो थे उसको कंज्यूम करते थे। नेक्स्ट 6000 BC में हमारे पास जो फर्स्ट केस था फूड स्पॉइलेज का, वो स्टडी हो गया था, वो हमारे सामने आ गया था और वहाँ के लोगों को ये चीज़ पता चल गई थी 6000 BC में कि कोई ना कोई जो फैक्टर है जो कि फूड को स्पॉइल कर देता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 3500 BC में। जैसे जैसे ज़माना जो है वो करीब आता जा रहा है तो जो एडवांसमेंट है फूड माइक्रोबियोलॉजी में वो ज़्यादा होती जा रही है। 3500 BC में जो वाइन थी वो डेवलप हो गई थी। 3000 BC के अंदर जो इजिप्शियंस थे, आपको पता है कि 3000 BC के लगभग जो फेरो सिस्टम था, जो फिरौनों के जो बादशाहत होती थी वो बड़े अरूज पर थी अपने, और उनकी एडवांसमेंट जो थी वो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा थी। तो जो इजिप्शियंस थे, जो मिस्री लोग थे, उन्होंने फर्मेंटेशन, चीज़ की फर्मेंटेशन जो थी, चीज़ बनाना शुरू कर दी थी। इसके अलावा जो उन्होंने फर्मेंटेशन के थ्रू जो बटर था वो बनाना शुरू कर दिया था और इसके अलावा उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट काम, ममीफिकेशन का जो प्रोसेस है वो फूड से तो दूर ही है लेकिन वो बड़ा एक इंफॉर्मेटिव प्रोसेस है कि किस तरीके से वो उस ज़माने में अपने जो डेड बॉडीज़ होती थी अपने लोगों की, उनको वो ममीफाई करते थे और उनको वो अंदर जो पैरामिड्स में स्टोर कर लेते थे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 1000 BC में। तो यहाँ पर जो थे वो जो रोमन्स थे, रोमन्स और ग्रीक्स, वो जो थे ज़्यादा एडवांसमेंट की तरफ आ रहे थे। तो उन्होंने श्रिम्प को प्रिजर्व करने का जो तरीका था वो इंट्रोड्यूस करवा दिया था लो टेम्परेचर पर। इसके अलावा जो स्मोकिंग का प्रोसेस था और इसके अलावा जो फर्मेंटेड मीट्स का प्रोसेस था वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया था। उसके बाद तकरीबन आप कह लें कि 2000 साल तक नॉर्मल जो जिस तरह रूटीन चलती रहती है फूड माइक्रोबियोलॉजी में वो चलती रही। और देन जो हमारे पास 350 BC में जो है, इन 2000 सालों के दरमियान में ही करके 350 BC में एक बहुत बड़ा स्कॉलर गुजरा है एरिस्टोटल, जिसे उर्दू में अरस्तु कहते हैं। एरिस्टोटल ने अपने ज़माने में एक कॉन्सेप्ट जो था वो दुनिया के सामने रखा था, जिसमें उसने कहा था कि जी स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ, कि जो लाइफ है हमारे पास वो स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस हो सकती है, मतलब के लाइफ फ्रॉम नॉन लाइफ। अगर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ हमारे पास ज़मीन के ऊपर, सरफेस के ऊपर, तो वहाँ पर जो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा।
दिस इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ, खुद ब खुद वो चीज़ बन जाएगी। तो 350 BC में जो एरिस्टोटल था, इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था और उसने अपने कोट में, जिसको ट्रांसलेशन करके यहाँ पर लिखा गया, आप लोग देख सक रहे होंगे, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल रेडिली ऑब्जर्वेबल दैट एफिड्स अराइज फ्रॉम द रेनफॉल विच फॉल्स ऑन प्लांट्स, फ्लीज फ्रॉम पुट्रिड मैटर, माइस फ्रॉम डर्टी साइलेज। इसके कहने का मतलब ये था कि हम लोग, उसने अपना ये कॉन्सेप्ट जो था ये इस दलील के ऊपर पेश किया था कि हम देखते हैं कि जब बारिश हो जाती है आफ्टर रेनफॉल, तो जो ट्रीज़ के ऊपर जो एफिड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो पैदा हो जाते हैं। तो उसने कहा देखें, पहले कुछ भी नहीं था ट्री के सरफेस के ऊपर, मगर बारिश के फौरन बाद ये चीज़ें पैदा हो गई, मतलब लाइफ फ्रॉम नॉन लाइफ। इसी तरीके से उसने कहा कि जो हमारे पास डर्टी साइलेज का जगह होती है, जहाँ पर वेस्ट मटेरियल्स वगैरह पड़े होते हैं, जो घास फूस वगैरह, इस तरह के जगहों पर जो माइस होते हैं, मतलब चूहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसने ये दलाइल अपनी पेश की। नेक्स्ट 1500 या 2000 ईयर्स के लिए जो ये कॉन्सेप्ट था, ये चलता रहा, लोग इसी को सही समझते रहे और इसी तरह से जो टाइम था इसी कॉन्सेप्ट के साथ वो आगे चलता रहा, यहाँ तक कि एक जो मॉडर्न एरा यूरोप में स्टार्ट हुआ आफ्टर एक रेवोल्यूशन, जो यूरोप ने डिसाइड किया कि अब हमने ज़्यादा एडवांसमेंट की तरफ जाना है आफ्टर 15th और 16th सेंचुरी। तो उस दौर में एक साइंटिस्ट गुजरा है, फ्रांसिस्को रेडी। फ्रांसिस्को रेडी का जो टाइम पीरियड था, दैट इज़ 1626 टू 1697। जो रेडी ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे और उसने जो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट था उसको आर्ग्यू किया था, उसके अगेंस्ट ये गया था कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती, लाइफ हमेशा प्रोड्यूस होगी लाइफ से। और इसने कॉन्सेप्ट दिया फिर नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कि लाइफ हमेशा प्रोड्यूस होगी, उसके पीछे कोई ना कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़रूर मौजूद होंगे। अपना ये कॉन्सेप्ट इसने प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट में उसने तीन जार्स लिए, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। जार वन जो था उसने वो ओपन रखा और उसके अंदर उसने मीट का जो पीस था वो इसने रख दिया। इसी तरीके से सेकंड जो जार था, जो आप लोगों को थर्ड नंबर पर नज़र आ रहा है, उसको उसने नेट से कवर कर दिया। थर्ड जो उसके मिडल में आपको जार नज़र आ रहा है, ग्लास जार, इसको उसने प्रॉपरली एयर टाइट जो था कॉर्क के ज़रिए बंद कर दिया। इन तीनों के अंदर उसने मीट रखकर फिर इसने कुछ दिनों के लिए इसको छोड़ दिया। जब इसने कुछ दिनों बाद इसे ऑब्ज़र्व किया, इसे पता लगा कि जो उसने जार ओपन छोड़ा था उसके अंदर जो फ्लाइज थी वो इजीली अप्रोच कर गई थी और उन्होंने जो अपने एग्स थे वो मीट के ऊपर जो ले कर दिए थे और वहाँ पर जो मैगट्स थे, लार्वा थे फ्लाइज के, वो प्रोड्यूस हो चुके थे। इसी के साथ उसने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि जिस में इसने नेट लगाया था, जिस जार के ऊपर, तो वहाँ पर जो फ्लाइज थे उनको पता लगा था, क्योंकि उनको सेंस हो गई थी कि इसके अंदर कोई ईटेबल चीज़ पड़ी हुई है, मीट है, लेकिन वो वहाँ तक अप्रोच नहीं कर सकें, वो सिर्फ नेट तक जा सकें। तो फ्लाइज ने जो अपने एग्स थे, जो अपने लार्वा थे, जो उनके मैगट्स थे, वो उन्होंने नेट के ऊपर ही ले कर दिए और वो जो फ्लाइज थी वो ऊपर ऊपर ही रही नेट के। इसी तरीके से जो उसने थर्ड कॉर्क लगाया था उसके आसपास कोई मैगट्स शो नहीं हुए, कोई फ्लाइज शो नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर फ्लाइज सेंस ही नहीं कर सकी उस चीज़ को और ना ही उन्होंने वहाँ पर आकर जो थे अपने एग्स थे ले किए थे। तो इस चीज़ से उसने, इस कॉन्सेप्ट से ये बता दिया कि अगर आप जो अपनी फूड प्रोडक्ट होगी उसके ऊपर अप्रोचेबल कोई सीन बनाएंगे कि वहाँ पर कोई और ऑर्गेनिज्म आकर अपनी रिप्रोडक्शन कर सके, तो वहाँ पर उसके एग्स वगैरह प्रोड्यूस होंगे, लाइफ से लाइफ प्रोड्यूस हो गई। लेकिन अगर आपने सिंपल फूड प्रोडक्ट छोड़ दिया, उसके ऊपर बग़ैर ज़िंदगी से ज़िंदगी पैदा नहीं हो सकती। और ये जो इस चीज़ के बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट था, वो जो लोग उस पर डाउट करना शुरू हो गए कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। अब दो तरह के जो थे वो कॉन्सेप्ट बन गए, स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन। नेक्स्ट इसके बाद 1632 से 1723 तक एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है, लीवेनहुक का। लीवेनहुक बाय प्रोफेशन एक टेलर था, एक दर्जी था, और वो लेंस को यूज़ करता था क्लॉथ्स को एग्जामिन करने के लिए कि क्लॉथ की जो क्वालिटी है वो किस तरह की है, जो कपड़ा है वो उसका स्टफ़ कौन सा है, और जो उसने कपड़ा सीता था तो वो किस तरह से उसने सीना किस तरह से है। इसी टेलर प्रोफेशन के साथ साथ उसने, जब उसको इंटरेस्ट पैदा हो गया लेंसेज के अंदर, उसने डिफरेंट जो टाइप्स के लेंस थे वो बनाने शुरू कर दिए, उनको परचेज़ करना शुरू कर दिया, और लेंसेज के बाद वो बढ़कर आगे माइक्रोस्कोप की तरफ आ गया।
उसने अपना सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप जो आपको नज़र भी आ रहा होगा नीचे पिक्चर में, ये उसी का लेवेनहुक का माइक्रोस्कोप है जो उसने खुद बनाया था और आज ये यूरोपियन म्यूजियम में पड़ा हुआ है। तो इसने इस माइक्रोस्कोप के ज़रिए कुछ जो स्मॉल क्रिएचर्स थे उनको स्टडी किया, उनको ऑब्ज़र्व किया इसने, और ऑब्ज़र्व करके इसे पता लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्मॉल एनिमल्स की तरह की हैं और मूव करती रहती हैं। तो इसने उनका नाम क्या दिया, ही नेम्ड देम एज एनिमलक्यूल्स, स्मॉल एनिमल्स, टाइनी एनिमल्स। और इसी तरह से इसने जो बैक्टीरिया थे और जो प्रोटोजोआ थे उनको डिस्कवर कर लिया था। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया और चीज़ें आर्ग्यूमेंट में मज़ीद एडवांसमेंट होती गई साइंस के अंदर, तो मज़ीद फिर यहाँ पर दो साइंटिस्ट का जो नाम यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, जॉन निधम और हमारे पास लेज़ेरो। निधम ने और स्पेंजनी ने, इन दोनों ने आर्ग्यूमेंट के अंदर इकट्ठे जो थे अपने वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, एक के बाद दूसरे ने, और दूसरे ने के बाद फिर पहले ने उसको आर्ग्यू किया था, जिसकी वजह से जो ये कॉन्सेप्ट था स्पॉन्टेनियस जनरेशन का और नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, ये मज़ीद आगे चलता गया। सबसे पहले निदम ने जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसने एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क के अंदर उसने जो लिक्विड ब्रॉथ था जो फूड मटेरियल का बना हुआ था उसने वो उसमें डाला, उसकी हीटिंग की, और हीटिंग करने के बाद कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया, और उसने लोगों को कहा कि ये देखें आप, यहाँ पर मैंने इसकी हीटिंग की है, हीटिंग करने से इसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स थे वो किल हो गए, लेकिन उसके किल होने के बावजूद कुछ दिनों बाद दोबारा से इसमें जो थे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वो प्रेजेंट हमें शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ख़त्म कर दिए गए हैं उसके बाद भी जो नॉन लिविंग से जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। निधम के इस एक्सपेरिमेंट के जवाब में स्पेंजनी ने जो अपना एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो बहुत सिमिलर था निधम के एक्सपेरिमेंट से, इसने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर लिक्विड ब्रॉथ लिया जो फूड मटेरियल का बना हुआ था, उसको इसने हीटिंग की फ्लास्क के अंदर, और उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया, जो आप लोगों को नीचे वाले डायग्राम नज़र आ रही है वो स्पेंजनी के उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो आप लोग नज़र आ रहे हैं। इसने सिर्फ ये किया कि जो उसको कॉर्क से बंद कर दिया, और उसके बाद जब कुछ दिनों बाद शो कर देखा इसने, पता लगा कि इसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं हुए। तो इसने इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगा लिया कि जो निधम था उसने जो फ्लास्क था उसको ओपन छोड़ दिया था आफ्टर हीटिंग, तो ओपन छोड़ने की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर के अंदर थे वो उसमें अप्रोच कर गए दोबारा से लिक्विड के अंदर और वहाँ पर वो ग्रो कर गए। लेकिन मैंने, मतलब कि स्पेंजनी ने ये आर्ग्यू किया कि देखिए मैंने अब यहाँ पर इसको एयर टाइट कॉर्क लगा दिया जिसकी वजह से हीटिंग के बाद जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो किल हो गए और नए प्रोड्यूस हो ही नहीं सके क्योंकि उनके साथ एयर का कॉन्टैक्ट ही नहीं हुआ, एयर उसके अंदर एंटर ही नहीं हो सकी। तो ये जो अब दोनों अभी कंट्रोवर्सी में चीज़ थी, तो निधम ने दोबारा से अपने जो पुराना एक्सपेरिमेंट था उसको सामने लेकर आया, उसने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को प्रोड्यूस होने के लिए एक लाइफ फोर्स की ज़रूरत होती है, कुदरती ताकत की ज़रूरत होती है जो उनको पैदा करती है, लाइफ फोर्स। तो लाइफ फोर्स जो है वो उनको एयर से मिलती है, जब आपने कॉर्क लगा दिए तो वो एयर जो थी वो उसके अंदर एंटर नहीं हो सकी, उनको लाइफ फोर्स मिल नहीं सकी, इस वजह से वो प्रोड्यूस नहीं हो सके। ये जो कंट्रोवर्सी थी ये आगे चलती रही। इसी के दौरान एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है हिस्ट्री में फूड माइक्रोबियोलॉजी और फूड प्रिजर्वेशन की हिस्ट्री के अंदर, दैट इज़ निकोलस एपर्ट, जिसका टाइम पीरियड है 1749 से 1841। जो निकोलस एपर्ट था ये एक कन्फेक्शनर था, मतलब एक हलवाई था बाय प्रोफेशन, और इसकी अपनी जो एक बेकरी थी, और इसने प्रोसेस डिवेलप किया था थर्मल कैनिंग का। इसने जो टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई थी उसको हम एपर्टाइजेशन भी कहते हैं, और आज के दौर में उसे हम कैनिंग भी कहते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो नीचे 1, 2, 3, 4 नंबरिंग में आपको शो हो रहे होंगे। नंबर 1, इसने जो पॉइंट दिया कि आपके पास जो भी जिस मटेरियल को आपने स्टोर करना है, प्रिजर्व करना है, तो उसको आप क्या करें कि आप सबसे पहले उसको आप बॉटल्स में रख दें उसको, उसके बाद जो बॉटल्स हैं उनको आपने एयर टाइट सील करके बड़ी केयर के साथ रख देना है। थर्ड, ये बॉटल्स को आपने इंटरेक्ट करवाना है बॉइलिंग वाटर के साथ, गर्म पानी में बॉटल्स को डाल देना है। इससे क्या होगा कि जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर मौजूद होंगे वो उसमें से किल हो जाएंगे। और फोर्थ नंबर पर उसने कहा था कि उसके बाद बॉटल्स को आपने पानी से बाहर निकालना है, उसको आगे फिर कंज्यूम करना है या स्टोर करना है या सप्लाई करना है, वो आप कर सकते हैं।
इसकी ये टेक्निक थी, ये फूड प्रिजर्वेशन के लिए और माइक्रोबियल फ्री बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कारामद साबित हुई। आप लोग डायग्राम में जो एपर्ट की पिक्चर के साथ एक जार देख रहे हैं, ये वही जार है जो निकोलस एपर्ट ने अपने प्रोसेस के लिए यूज़ किया था, या आज भी यूरोपियन म्यूज़ियम में इस तरह से इन्होंने रखा हुआ है। और निकोलस एपर्ट ने क्या किया कि अपनी एक कैनरी बनाई जहाँ पर वो इस तरह की जो कैंड फूड था, जो बॉटल फूड था, वो बनाता था और उसको आगे भी डिफरेंट जो प्लेसेस पर सप्लाई करता था। जो हमारे पास कंट्रोवर्सी चलती आ रही थी कि जी स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन की, इसको आकर ब्रेक लगी जब एक फेमस साइंटिस्ट लुईस पास्टर ने आकर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसके बाद लोगों को ये क्लियर हो गया कि जी कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन का कॉन्सेप्ट है वो ही ठीक कॉन्सेप्ट है। लुईस पास्टर ने 1864 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उसने एक बीकर लिया जिसके ऊपर उसने जो ग्लास नेक लगाई थी वो एस शेप नेक लगाई थी। आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे कि जो लुईस पास्टर के पिक के साथ जो फ्लास्क है उसकी जो नेक है ऊपर से वो एस शेप्ड है, बेंड हुई हुई है। ये उसने फ्लास्क लिया, इसके अंदर उसने लिक्विड ब्रॉथ, जो ग्रेवी थी, जो लिक्विड फूड थी, वो इसमें डाली। डालने के बाद इसने इसको हीट किया और हीट करने के बाद इसने इसको कुछ दिनों के लिए रख दिया। कुछ दिनों बाद जब देखा गया तो इसमें किसी किस्म के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो प्रोड्यूस नहीं हुए हुए थे। अब यहाँ पर दो चीज़ें समझने की हैं। पहली चीज़ ये कि लुईस पास्टर ने इस तरह क्यों किया। उसका ये करने का जो मकसद था वो ये था, आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, जो सेकंड डायग्राम है, मतलब बॉइलिंग के बाद वाला जो फ्लास्क है अपर वाला, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि उसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि मैंने यहाँ से इसको ओपन छोड़ दिया, इसका जो होल था नेक का, ट्यूब का जो होल था वो ओपन छोड़ दिया, ताकि अगर कोई कहता है कि जी एयर की वजह से लाइफ फोर्स मिलनी है तो वो इसको लाइफ फोर्स मिल जाए, इसमें एयर एंटर हो सके, ठीक हो गया। लेकिन प्रॉब्लम उसने क्या क्या बताया, प्रॉब्लम ये आया कि मैंने जो यहाँ पर बेंट शेप एस शेप मैंने नेक यूज़ की है उसकी वजह से एयर तो यहाँ से पास हो जाएगी और अंदर जो हमारे पास ग्रेवी है वहाँ तक पहुँच जाएगी, मगर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर के साथ एंटर होंगे वो इस नेक की बेंडिंग के साथ साथ आकर स्टक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि पहले एक बेंड है, फिर दूसरा बेंड है, फिर तीसरा बेंड है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आकर एयर के साथ इन जगहों पर स्टक हो जाएंगे और डायरेक्ट जो ग्रेवी है वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे। और उसके बाद उसने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो इसने ये बताया लोगों को कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रेवी थी वो मैंने हीट की, उसमें से तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मैंने किल कर लिया, वो किल हो गए। उसके बाद जब मैंने दोबारा कुछ दिनों के रख दिया तो फिर भी इसमें एयर भी इंट्रोड्यूस करवाई गई मगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं हुए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एयर के साथ एंटर हो रहे थे वो दरमियान में बेंडिंग के साथ ही रुक गए थे। दूसरी बात ये कि लुईस पास्टर ने अपने एक्सपेरिमेंट को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो ऑडियंस के सामने जो उसकी नेक थी बीकर की वो इसने ब्रेक कर दी, तोड़ दी, आप लोगों को निचले डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। ब्रेक करने के बाद इसने कहा देखिए इसको मैंने हीट भी किया था पहले, अब नेक ब्रेक कर दिया, इसने जैसे कुछ देर के रखा उसके बाद उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो प्रेजेंस थी वो शो हो गई। तो इसने लोगों को बताया देखिए अब इसमें से मैंने जो एस शेप नेक थी बेंडिंग वाली वो उतार दी है, तो अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एयर से वो डायरेक्ट ग्रेवी के अंदर आ सकते हैं और इसको स्पॉइल कर देंगे जो हमारे पास फूड मटीरियल होगा। तो इसके इस एक्सपेरिमेंट के बाद इट वॉज फाइनली प्रूव डैट नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज़ द राइट कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल ठीक कॉन्सेप्ट है और लाइफ हमेशा जो लाइफ्स के ज़रिए ही प्रोड्यूस हो सकती है। इसके अलावा लुईस पास्टर ने जो डिफरेंट टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवाई थी उसमें एक टेक्निक जो बड़ी फेमस है दैट इज़ कॉल्ड एज पास्चराइजेशन। इस टेक्निक के ज़रिए उसने ये लोगों को बताया था कि अगर आप अपने फूड मटेरियल को, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास मिल्क है उसको आप हीट कर दें स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, जो उसने टेम्परेचर इंट्रोड्यूस करवाया था डैट वॉज जो आजकल भी यूज़ हो रहा है 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, तो आप क्या कर सकते हैं जो उसमें जितने भी कंटेमिनेशन होती है और जितने भी उसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेंट्स होते हैं, माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, उनको आप किल कर सकते हैं और आपकी जो फूड प्रोडक्ट है, आपका जो मिल्क है, वो लंबे अरसे के लिए स्टोर भी हो सकता है। और इसने इसके साथ एक और चीज़ भी बताई थी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वही डिफरेंट वो कॉज होते हैं डिफरेंट डिजीज़ का, कि डिफरेंट डिजीज़ इंसान को, ह्यूमंस को, एनिमल्स को, प्लांट्स को होती हैं, उनके पीछे कुछ जो मोस्टली होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं।
आज के दौर में जो अगर हम बात करें मॉडर्न एरा की, तो इसमें पास्टराइजेशन के डिफरेंट जो टेम्परेचर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ जो इसने एक बताया था 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, अगर हम इसको हाई टेम्परेचर किसी फूड को ट्रीट करवाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 72 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा कि हमारे पास जो वो होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी फूड मटेरियल को हीट करवा देते हैं हाई टेम्परेचर पर जैसे कि 72 डिग्री सेल्सियस पर, तो फिर उसको हम जो वो ट्रीटमेंट दे रहे होंगे वो कम टाइम के लिए दे रहे होंगे, दैट इज़ ओनली 15 सेकेंड्स। इसी तरीके से जो आजकल के मॉडर्न एरा में हम एक और टेक्निक यूज़ कर रहे हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, और उसका जो टेम्परेचर है हमारे पास वो हम तकरीबन 138 डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं, और सिर्फ उन फूड्स के लिए करते हैं जो इतना हाई टेम्परेचर बियर कर जाते हैं। और ये टेक्निक सिर्फ उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि जो हीट रेजिस्टेंट होते हैं और वो नॉर्मल पास्टराइजेशन टेम्परेचर पर किल नहीं होते, यानी कि 63 डिग्री सेल्सियस और 72 डिग्री सेल्सियस पर किल नहीं होते, तो उनको हम 138 पर जाकर फिर ट्रीट करवाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेडिशनल फूड प्रोसेसिंग की। तो हमारे मतलब ओल्ड टाइम्स में भी और आजकल भी जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं फूड प्रोसेसिंग के, जो हम घरों में और इस तरह से जो नॉर्मल अपने डेली लाइफ में कर रहे हैं, उनमें हमारे पास फर्मेंटेशन की टेक्निक आती है, जैसे कि पिकलिंग वगैरह की, सन ड्राइंग की, मतलब आप उसको जो फूड प्रोडक्ट है उसको आप बाहर सूरज के नीचे सुखाने के लिए रख दें, इसी तरह से जो सॉल्ट लगाकर प्रिजर्व करने की, और डिफरेंट कुकिंग मेथड्स जो हम घर में भी कर सकते हैं, रोस्टिंग, स्मोकिंग और स्टीमिंग वगैरह स्टीम के जरिए। तो ये ट्रेडिशनल फूड प्रोसेसिंग के मेथड्स हैं जो हम हाउसहोल्ड लेवल पर कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग की, इंडस्ट्रियल फूड प्रोसेसिंग की, तो इसमें डिफरेंट जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं फूड प्रोसेसिंग की वो लगाते हैं, जैसे कि पास्टराइजेशन, स्प्रे ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, मैकेनिकल इवेपोरेशन, यूज़ ऑफ डिफरेंट स्वीटनर्स, फ्लेवर्स, कलरेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, माइक्रोवेव ओवन्स, ब्लेंडर एंड सो ऑन। एक बहुत लंबी जो लिस्ट है वो हमारे पास बन जाएगी। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जो हमने यहाँ पर पिक्चर साथ ऐड की हैं, सबसे फर्स्ट पिक में जो वो शो करवाया हुआ है टेक्निक पास्टराइजेशन की, कि जिसमें आप जो मिल्क लेते हैं उसको हीट करते हैं स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, उसके बाद उसको आप कूलिंग सेक्शन में डालते हैं, उसके बाद उसकी बॉटलिंग करके आप यहाँ पर टेट्रा पैक बनाकर मार्केट में भेज देते हैं। नीचे जो आप देख रहे होंगे दैट इज़ फ्रीज़ ड्राइंग, के फ्रीज़ ड्राइंग आप किस तरह से करते हैं, ये बड़े बड़े ड्रायर्स हैं जिसके अंदर जो फ्रीजिंग की जाती है, और फ्रीज़ ड्राइंग के ज़रिए हम फूड को जो उसकी शेल्फ लाइफ है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और सबसे एंड में आप लोग देख रहे होंगे कि हमने जो डिफरेंट जो फ्लेवर्स बना लिए हैं, कलर्स बना लिए हैं, प्रिजर्वेटिव जैसे कि मैं पहले बताता हूँ, डिफरेंट हमारे सोडियम बेंजोएट है, MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, इस तरह के डिफरेंट हमने जो प्रिजर्वेटिव्स बना लिए हैं वो हमने यूज़ करते हैं डिफरेंट अपने फूड प्रोडक्ट्स के अंदर। जो हमने मशीनरी बना ली है मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग के अंदर, ओवन्स बना लिए हैं, ब्लेंडर की जो डेवलपमेंट हो गई है, रेफ्रिजरेटर्स जो हमारे पास मॉडर्नाइज्ड एरा में आ गए हैं, तो इन सब के ज़रिए जो है वो मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग को फ़ायदा हो रहा है। तो गाइज ये एक बेसिक सा जो इंट्रोडक्शन था और हिस्ट्री थी फूड माइक्रोबायोलॉजी की। फ्रेंड्स तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये लेक्चर है ये समझ आया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, या कोई भी हमें राय देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल masterji.com को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।